दोस्तों एक्सेल की हमारी आज की ट्रिक किसी मैजिक से कम नहीं। आपने शायद ये इस ट्रिक को पहले कभी देखा होगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्या, हम दो डेटा की रेफरेंसिंग बनाएंगे, आपस में लिंकिंग करेंगे, लेकिन बिना किसी फॉर्मूले के। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लगा, कोई लिंकिंग नहीं लगी, तब भी मैं जब इस डेटा में चेंजेस करूंगा तो दूसरे डेटा में अपने आप चेंजेस हो जाएंगे मेरे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं उसे। ऊपर फाइल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज रिबन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कमांड्स नॉट इन द रिबन्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप कैमरा को सर्च करेंगे, कैमरा को मैंने सर्च करा, यहाँ पे एक नया जो है आपको ग्रुप क्रिएट करना है। मैंने नया ग्रुप क्रिएट कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करेंगे और इसको जो है सबसे ऊपर मैं यहाँ पे रख लूंगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर जो है कैमरा का ऑप्शन आ गया, मैंने पहले भी एक कर रखा था। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस डेटा को मिरर करना है उसे सेलेक्ट करा, कैमरा पे क्लिक करा, मैं यहाँ पे उस डेटा को जो है रखना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे उसके नीचे इमेज आ गई। अब जैसे मैं इस डेटा में कोई भी चेंजेस करूंगा, ठीक है ना, तो आप देखेंगे नीचे मेरे उस डेटा में भी चेंजेस हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आप दो डेटा को लिंक कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मुलेशन और लिंकिंग के। सो आई होप आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।